हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री अगेन। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है डेथ मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस, मीन्स सुभाष चंद्र बोस का मौत का क्या रहस्य था। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस की मौत दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस रूस के लिए जापान से रवाना हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु को लेकर एक के बाद एक कई बातें सामने आईं। कई लोगों का ऐसा मानना था कि नेताजी मरे नहीं बल्कि वह जिंदा थे। तो चलिए आपको बताते हैं उनकी मौत से जुड़ी कहानियों के बारे में। उससे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। कटक से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया था। कुछ समय बाद उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने टीचर के साथ भारत विरोधी बातें बोलने के लिए हिंसक व्यवहार किया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने 1919 में फिलोसफी में ग्रेजुएशन की। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जुड़ गए जिससे वह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले सकें। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने स्वराज्य नामक अखबार से शुरू की। थोड़े ही समय में वह ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन गए और साथ ही बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी भी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। क्रांतिकारियों में जोश भर देने वाला उनका एक और नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौर का सबसे लोकप्रिय और प्रचलित नारा था। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का क्या रहस्य है। सभी तथ्यों की माने तो नेताजी 18 अगस्त 1945 को हवाई सफ़र के बाद लापता हो गए थे, मगर जापान की एक संस्था ने उसी साल 23 अगस्त को यह खबर छापी कि 18 अगस्त 1945 को उनके यहाँ कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। भारत सरकार तथा इतिहास की कुछ किताबों भी इस हवाई दुर्घटना को नेताजी की मृत्यु का कारण बताती है। इस घटना के संबंध में कई अलग अलग ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसके चलते उनकी मृत्यु पर संदेह बना हुआ है। इनमें पहली बात तो यह थी कि नेताजी का शव किसी को कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। दूसरी यह कि कई लोगों के मुताबिक उस दिन ताइवान के आसपास कोई हवाई दुर्घटना नहीं घटी थी। बताया जाता है कि खुद ताइवान सरकार के दस्तावेज में भी उस दिन हुई किसी हवाई दुर्घटना का जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि कुछ खबरों का यह भी कहना था कि उन्हें रूस के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था और वहीं की जेल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यही वजह है कि आज भी नेताजी की मौत का रहस्य का असली कारण नहीं पता चल पाया है और आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।